सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट भजन की वीडियो सुनने के लिए। व्रत कथा। एक समय राजा सीतास्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदि देव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखरविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने का अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों का नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि विदर्भ देश में उन्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उन्तक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के पश्चात वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपने समय को व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उन्तक ने अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पाठ पठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर अपनी गुरु पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पे कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे चेत हुआ तो उसने अपनी सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उन्तक के सामने ले जाकर रख दिया। कन्या की दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अब हरिया की बातों को सुनकर उन्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो इस जन्म में उसको उत्तम ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसका जन्म हुआ और जिसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़ों से भर गया,
उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे सुनाइए। उत्तंक प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। भविष्योत्तर पुराण की ऋषि पंचमी कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनावे। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नरोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महापाप लगा था। तब ब्रह्मा जी कृपा करके इंद्र के उस पाप को चार स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों की बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी व्रत उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्नेहजीत नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्ष काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला भी हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भास हो गया, किंतु फिर भी वह घर की गृहस्थी के कार्यों में लगी ही रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई भी अपराध नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म की समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र सुमित के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उदल दिया। सुमित्र की माँ कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित्रा की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन से क्रोध के कारण वह भी उसने नहीं दी। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने भी कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया है। हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र सुमित ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया।
और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के उन वचनों को श्रवण कर तपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्छृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया था, इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उसी के पुण्य को अपने माता पिता को दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है।